Let's begin. Yes. Our next dish, which is Pav Bhaji. आपको पसंद है? पाव भाजी वाज लाइक माय लाइफलाइन। और आपको पता है कि असली पाव भाजी महाराष्ट्र स्टाइल उसका टेस्ट क्या होता है? हाँ, तो मतलब आप नुक्स निकाल सकते हैं। ओ नहीं नहीं, आपका नुक्स कौन निकालेगा? पंजाबी हो जी ना तुसी? पंजाबी मैरिड टू अ जाट। बट पंजाबी था। पंजाबी था। पंजाबी नंबर वन होते हैं नुक्स निकालने में। मैं खुद हूँ। ऑलराइट, सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल ऑन अ हॉट पैन और इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ मक्खन. The reason that I'm adding a little oil before the butter is to make sure that the butter doesn't burn off. और ये था आपका आज का नुस्खा. सबसे पहले इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ पत्थर के फूल, जिसे हम लाइचिन भी कहते हैं. ये एक सीक्रेट स्पाइस है एक अच्छी पाव भाजी बनाने का. अब नेक्स्ट हमारे पास है जीरा, थोड़ा सा धनिया कुटा हुआ, हल्की सी हींग, इसमें जाएगा अनियन. व्हाट यू सी इज द स्प्रॉथ विच इज बिकॉज ऑफ बटर, सो दैट्स परफेक्टली ओके. अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चॉप्ड गार्लिक एंड सम फाइनली चॉप्ड जिंजर. दीपा जी, आपने रियो 2016 के अंदर आपने शॉटपुट के अंदर सिल्वर मेडल लिया था एंड यू आर द फर्स्ट इंडियन वुमेन एथलीट टू डू दैट, राइट? सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने ये मेडल 46 इयर्स की एज में जीता है. एक ऐसी एज जिसमें जनरली लेडीज हार्मोनल चेंजेस की वजह से वेट गेन करती है. तो मैं बड़ा अच्छा, मुझे कवर अप मिल गया है कि टू थ्रो सम वेट अराउंड आई हैड टू गेन सम वेट. लेकिन ये मक्खन देख के मुझे फिर डर लग रहा है. बड़ा सिंपल सी थ्योरी है, मक्खन डालो जी भर के, अच्छे तरीके से देसी घी के अंदर प्रॉपर तरीके से खाना बनाओ. लेकिन जब खाना बन जाए जो पोर्शन है उसमें थोड़ा कंट्रोल करो. थोड़ा खाओ लेकिन बढ़िया खाओ. थोड़ी सी हरी मिर्च. अब हम इसके अंदर डालेंगे बारीक कटी हुई गोभी, बारीक कटी हुई गाजर, देन बीन्स. नाउ ऑन हाई हीट इन्हें हमें सौते करना है एंड एज वी आर डूइंग दिस इसके अंदर हम डालेंगे नमक, इसमें हम डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च, कश्मीरी चिली पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर. गिव इट अ नाइस स्टर. नाउ वी विल ऐड अ डैश ऑफ वाटर जस्ट सो दैट स्पाइसेस डोंट बर्न. और एक अच्छा स्टर के बाद इसमें हम डालेंगे टोमेटो प्यूरी. पाव भाजी का एक टिपिकल रेड कलर होता है जो आता है चिली पाउडर और टोमेटो प्यूरी से. यू नेवर ऐड एनी कलर फॉर पाव भाजी. नेक्स्ट स्टेप, इसके अंदर हम लोग डाल रहे हैं बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो एंड यू विल नोटिस पोटैटो विल सोक अप ऑल द ऑयल, ऑल द मॉइस्चर और ये ड्राई लंप की तरह बना देगा विच इज परफेक्टली ओके. ओके, अब नेक्स्ट आई एम एडिंग सम कसूरी मेथी पाउडर. सो हम पानी डाल रहे हैं, इसको काफ़ी पतला करना है बिकॉज जब इसके अंदर बॉयल आएगा बिकॉज ऑफ पोटैटोज विल थिकन अप. ये धीरे धीरे सिमर हो रही है एंड पाव हमने बीच में से काट लिए. वील लाइटली ब्रश इट विद बटर. सो तवा गर्म है, हम लोग बटर साइड डाउन पाव को सेक लेंगे. गिव इट अ नाइस गुड कलर, मेक इट रियली क्रिस्प. वील गिव इट अ नाइस स्टर, लिटिल बिट ऑफ लेमन, जस्ट अ ट्विस्ट ऑफ लाइम. और लेमन डालने के बाद टेस्ट द सॉल्ट अगेन बिकॉज जो खटास है वो नमक को थोड़ा सा डाउन प्ले करता है. ऑलराइट, भाजी तैयार है, पाव हमने सेक लिए. ऑल वी नीड टू डू इज सर्व देम. सो लेट्स प्लेट आवर पाव भाजी. लेमन, थोड़ा चॉप्ड अनियन, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च. ऑलराइट, पाव भाजी तैयार है महाराष्ट्र स्टाइल. इसे मैं टेबल पर रखकर आता हूँ, उसके बाद आपके साथ गपशप करेंगे. व्हाई डोंट यू गाइस गो टेक अ स्मॉल ब्रेक एंड कम राइट बैक टू माय येलो टेबल जहाँ हम खत्म करेंगे हमारा ये महाराष्ट्र स्पेशल मेन्यू.